नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पथरी की समस्या आम तौर पर सुनने को मिल जाती है। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी का दर्द असहनीय होता है। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह गलत खानपान और कम पानी पीने की आदत को माना जाता है। वहीं कुछ लोगों की आदत हर सुबह भुना चना खाने की होती है। ऐसे में अगर किसी को पथरी है तो क्या करें, चना खाएं या नहीं खाएं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो किडनी की पथरी से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में चना खाना इन लोगों की इस तरह की परेशानी को और बढ़ा सकता है। दरअसल चना में ऑक्सलेट होते हैं जो किडनी द्वारा पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे शरीर में ऑक्सलेट का स्तर बढ़ता है, ये कैल्शियम के साथ किडनी में जमा हो जाते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन एक तरह की किडनी स्टोन को बनाने लगते हैं। खून में यूरिक एसिड के स्तर में बढ़ोतरी होना गुर्दे की पथरी के विकास को बढ़ावा दे सकती है, साथ ही ये किडनी के दर्द को भी बढ़ा सकती है। इसलिए किडनी रोगी को इसे खाने से बचना चाहिए। अगर बात करें काले चने की तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में, मांसपेशियों का विकास करने में और डायबिटीज को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ बालों और स्किन की सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको पथरी है तो इन चनों को खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में होते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि किडनी पेशेंट को खास तौर पर ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जिनमें प्रोटीन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके साथ ही पथरी के मरीज पालक से दूरी बना लें, क्योंकि इसमें भी ऑक्सलेट होता है जो कैल्शियम को जमा कर लेता है और यूरिन में नहीं जाने देता है। ऐसे में पथरी के मरीज अगर पालक खाते हैं तो उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं हम अपने खाने में टमाटर का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। टमाटर में भी ऑक्सलेट की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। ऐसे में पथरी के मरीजों को अगर टमाटर खाना भी है तो उसका इस्तेमाल करते वक्त उसके बीज निकाल सकते हैं। अगर आपको सी फूड और मीट पसंद है तो आपको अपनी सेहत के लिए ये भी छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, अन्य प्रोटीन वाली चीज़ों से भी आपको परहेज करना होगा, क्योंकि इसमें प्यूरिन नाम का एक तत्व होता है। अगर पथरी के मरीज के शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ने पर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो जिससे पथरी बड़ी हो जाती है। तो आप भी अगर पथरी से पीड़ित हैं, सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर आपकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।